अगर आपके पास सीवी बनानी है और बिल्कुल फ्रेश है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, स्किल नहीं है, अचीवमेंट्स नहीं है, और एक भी कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो आप समझ रहे हो अपनी सीवी के अंदर किस तरह हम ऐड करें या लिखें, तो ये वीडियो आपकी हेल्प करने वाली है काफी। और इसको देखने के बाद अच्छी कॉन्फिडेंस लेवल के हिसाब से जो जो चीजें आपको मैं एक्सप्लोर करूंगा इसके अंदर, वो आप अपनी स्किल्स खुद के हिसाब से इसके अंदर ऐड करके 2 से 3 पेज आराम से राइट सीवी कर सकते हैं और गारंटेड जॉब ले सकते हैं। तो वीडियो पूरी देखिएगा, फर्स्ट जो देखना चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। और इसके अंदर स्टार्टिंग जो सबसे पहली चीज मैटर करती है आपकी सीवी में, सबसे पहले तो टॉप में अपना नाम, एड्रेस, एवर एवर जो भी चीजें होती है, कॉन्टेक्ट, ईमेल डिटेल वगैरह वो। उसके बाद एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है प्रोफाइल समरी। ये आपके ये 2 से 3 लाइन किसी भी रिक्रूटर को आपके बारे में बताती है, आपकी एजुकेशन, ठीक है जी। जो मेन आपकी पूरी सीवी देखकर नहीं अंडरस्टैंड करते हैं यानी चीजें, वो सिर्फ आपकी प्रोफाइल समरी से ही जजमेंट कर लेते हैं। तो इसमें आपकी क्या क्या चीजें ऐड होती है, 3 मेन पॉइंट इसमें कवर होने चाहिए, आपकी एजुकेशंस, आपकी क्वालिफिकेशन के बाद, एजुकेशन के बाद आपकी क्वालिटीज, और आपकी प्रोफेंसी भी कह सकते हैं, प्रोफेंसी। और उसके अलावा यहाँ पर तीसरी चीज जो होती है, ठीक है जी। तो मेन ये राइट जो आप करेंगे ऑब्जेक्टिव या प्रोफाइल समरी अपनी, इसमें आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिटीज और जो आप अपॉर्चुनिटीज सीख कर रहे हैं वो डिटेल आप यहाँ से टाइप करके जो भी आपकी सीवी आप सेंड करेंगे, और रिक्रूटमेंट रिक्रूटर जो है वो यहाँ से चेक करके आपके, अगर पूरी सीवी डिटेल से नहीं देख रहा है तो यहाँ से आपकी जजमेंट कर लेता है वो, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं, ये मैंने एग्जांपल यहाँ पर आपके साथ शेयर करी हुई है, और इसी तरह की और आप करियर ऑब्जेक्टिव के हवाले से या प्रोफाइल समरी के हवाले से गूगल्स में भी जाकर हेल्प ले सकते हैं, करियर ऑब्जेक्टिव फ्रॉम सीवी फॉर फ्रेशर इस तरह से लिख कर आप टाइप करेंगे तो वहां से भी आपको ऑब्जेक्टिव्स मिल जाते हैं अपने हिसाब से, जो आपकी एजुकेशन वगैरह होगी उस हिसाब से, आप सेल्स एंड मार्केटिंग के हिसाब से, तो उस हिसाब से आप अपना ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पर रख सकते हैं, उसमें चीजें ये कवर होंगी, ठीक है जी। एग्जाम्पल इस तरह से होना चाहिए। और एक बात का ख्याल और रखें कि प्रोफाइल समरी अपनी सीवी को भरा हुआ दिखाने के लिए आप जरूर लिखें 3 से 4 लाइनों में, ताकि आपकी सीवी का एक साथ थोड़ा अच्छा खासा कवर हो उससे आपका, तो ये इसलिए भी लाजमी लिखें और टाइप करें इस पर। कुछ एग्जाम्पल जो है स्क्रीन पे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ अपनी प्रोफाइल समरी के लिए, इस तरह से भी इन्हें आप यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। प्रोफाइल समरी भी कह सकते हैं, प्रोफेशनल समरी की भी हेडिंग ऐड कर सकते हैं इस जगह, करियर ऑब्जेक्टिव की भी हेडिंग टाइप कर सकते हैं, ये सब इसी तरह से 3 से 4 लाइन होंगी जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ डिटेल से थोड़ा सा रुक कर, तो इस तरह से आप इसमें आप टाइपिंग में अपनी ऐड कर सकते हैं इस तरह से भी। अब एजुकेशन के अंदर आ जाएंगे नेक्स्ट हेडिंग, तो ये सिंपल ही सी बात है कि एजुकेशन तो हम ऐड करते हैं, लेकिन इसको प्रेजेंट किस तरह से करना है अपनी सीवी में और कितना स्पेस हम ऑक्यूपाई करते हैं ये मैटर करता है। तो उसको लिखने का तरीका और एक अच्छा खासा स्पेस इसमें आपके पास सीवी में पेज पर ऐड हो, इस हिसाब से आप एजुकेशन को ऐड करेंगे। तो एक तरीका तो हो सकता है टेबल फॉर्म के अंदर, टेबुलर फॉर्म कह सकते हैं इसको, इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं। लेकिन एक और दूसरा तरीके, इसमें आपकी स्पेस थोड़ी कम हो जाएगी पेज की अगर आप चाह रहे हैं। और दूसरा तरीका जो यहाँ मैंने एग्जाम्पल में शेयर किया है, ये थोड़ा भरा हुआ सीवी को दिखाने के लिए, ये वाला एग्जाम्पल भी आप अपने अपनी एजुकेशन डिटेल को इस तरह से फिर आप मेंशन करेंगे, ये आपकी काफी स्पेस के साथ आ जाएगी, और इस तरह से एजुकेशन मेन हेडिंग्स हो गई इसमें, और फिर उसकी एक साइड हेडिंग बन जाएगी अब यहाँ पर, और इसके साथ पे जो डिटेल्स होंगी मार्क्स वगैरह की, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप इस तरह से भी इसको डिटेल से आप ऐड कर सकते हो सारे। एक चीज का ध्यान रखिएगा, एजुकेशन का फॉन्ट साइज ज्यादा है, और उसके बाद जो साइड हेडिंग्स हमने बनाई है उसका फॉन्ट कम है, ये मैंने तकरीबन 22 रखा है और ये 20 रखा हुआ है, इस हिसाब से फिर जो साइड हेडिंग है उनको हमने सेम रखा है और ये एजुकेशन मेन हेडिंग को हमने बढ़ा रखा है सबसे। उसके बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी आ रही है वो आ रही है एकेडमिक कोर्सेज। इसके अलावा अगर बहुत से ऐसे कंपटीशन होते हैं, ओलंपिक होते हैं, कोई टेस्ट क्विज वगैरह के प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया होगा, तो वो भी आप इधर मेंशन कर सकते हैं।
जो भी पार्टिसिपेट आपने किए हैं प्रोग्राम्स के अंदर, अगर उनके मार्क्स बेटर आ रहे हैं तो आप फिर इस तरह से उसको ऐड करेंगे। और जो जो प्रोग्राम्स आपने अटेंड किए होंगे, अब जैसे कोई टेस्ट वगैरह भी होते हैं NTSCA और अलग डिफरेंट वगैरह बहुत सी, उसमें आपने अगर उसमें पार्टिसिपेट्स किए हैं तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और उनके ग्रेड के साथ अगर उनके मार्क्स अच्छे हैं इस तरह से। और अगर इस तरह के इवेंट्स बहुत ज़्यादा आपने पार्टिसिपेट किए होंगे तो इसको बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मोर देन 2 से 3 बहुत होते हैं इसके अंदर, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है जी, विथ मार्क्स, अगर आपके मार्क्स उसके अंदर अच्छे आए। और कोई ऐसे टेस्ट स्कोर जिसके नंबर्स आपके अच्छे नहीं है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और उसको फिर इस तरह से आप उसमें लिख सकते हैं, कॉम्पिटिटेड एज अ पार्ट ऑफ द टीम फॉर द नेशनल मैथमेटिक ओलंपिया इन ईयर, इस तरह से भी आप उसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्किल्स पे आने से पहले एक अलग से मैं आपको चीज समझा दूं, स्किल सेट जो है वो 2 तरह की कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती है, एक होती है आपकी सॉफ्ट स्किल्स और एक हो जाती है आपकी हार्ड स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स की अगर हम बात करें उसके अंदर कुछ इस तरह से हम देख सकते हैं, अगर हम स्किल सेट करते हैं तो हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल। हार्ड स्किल्स के अंदर आपका आता है आर द टेक्निकल स्किल्स दैट हेल्प यू परफॉर्म बेटर इन द जॉब, जैसे मिसाल के तौर पे सॉफ्टवेयर स्किल्स हो जाती है, एक्सेल है आपका, पावर पॉइंट आता है आपको, डेटा एनालिटिक्स आती है, तो ये आप ऐड कर सकते हैं हार्ड स्किल्स की कैटेगरी में। और अगर सॉफ्ट स्किल्स की हम बात करें तो सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, जिसमें आपकी कम्युनिकेशन आ सकती है, आपकी क्रिएटिविटी आ सकती है, आपका टीम वर्क आ सकता है, तो ये आपकी सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आ जाती है, ठीक है जी। दोनों की एक्सप्लेनेशन जो है वो क्लियर हो गई। हार्ड स्किल्स की बात करेंगे तो हम कंप्यूटर या आपकी जॉब में जो बेटर परफॉर्म कर सकते हैं वो स्किल्स कहलाती हैं, और जो आपकी पर्सनैलिटी को रखती है सब जॉब में सॉफ्टवेयर, तो वो आपकी कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी और टीम वर्क वो सॉफ्ट स्किल्स में आ जाती हैं। और इसकी मजीद डिटेल्स भी आ जाती है, मैंने 3 चीज़ें आपको बता दी सॉफ्टवेयर के हवाले से, और स्किल्स जो आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से होंगी, सॉफ्ट कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, टीम वर्क, उसकी और मजीद डिटेल मैं दिखा रहा हूँ आपको, इस तरह से भी आप ऐड कर सकते हैं। हार्ड स्किल्स की कैटेगरी में आप एबिलिटी टू स्पीक अनदर लैंग्वेज, कॉपी राइटिंग, डेटा एनालिसिस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के हवाले से बताया मैंने आपको, इवेंट प्लानिंग, फूड प्रिपरेशन, ग्राफिक डिजाइन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, टाइपिंग स्पीड। सॉफ्ट स्किल में आपकी एबिलिटी ऑफ वर्क वेल अंडर प्रेशर, इसका जो है एडाप्टेबिलिटी, अटेंशन टू डिटेल, क्रिएटिविटी, डिसीशन मेकिंग, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक, टाइम मैनेजमेंट। तो ये सॉफ्ट स्किल और ये हार्ड स्किल। अब इसको ऐड करने के 2 तरीके होंगे, वही जिस तरह से हमें अपने पेज के ऊपर अगर स्पेस बढ़ानी होगी तो हम इस एबिलिटी को विद डिटेल के साथ ऐड करेंगे, या फिर दूसरा एक ऑप्शन इस तरह से भी हम सीवी में अपने कॉलम के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसमें डायरेक्ट आपकी हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल की 2 कैटेगरीज आ जाएंगी, और यहाँ पर आप अपनी स्किल्स वगैरह को टाइप कर सकते हैं, ठीक है जी। अभी जो मैंने इमेज दिखाई थी स्किल्स का, एक तरीका वो होगा, उसमें आप टेबल के अंदर अपने कॉलम्स में ऐड कर सकते हैं, उससे स्पेस आपकी ऑक्यूपाई होगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम स्किल्स इस तरह से बुलेट्स में मेंशन करते हैं तो इसके साथ उसकी डिटेल भी फिर हमें ऐड करनी पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पर इस तरह से डिटेल सेट करी हुई है स्किल्स की, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रिक्वायर्ड टू यूज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, एसईओ, वर्क ऑन यूट्यूब, गूगल एसईओ, कीवर्ड रिसर्च, कम्युनिकेशन प्रोफेशन एंड इंग्लिश फॉर बिजनेस विजुअल्स, ठीक है जी। और अगर आपने कोई पेड कोर्सेज किए हुए हैं, कोई इंस्टीट्यूट्स वगैरह से किए हुए हैं, तो फिर इस जगह पे आप वो इंस्टीट्यूट्स के और के नाम और फिर डिटेल से सारी चीज़ें इधर अपनी कोर्स के अंदर वो ऐड करेंगे, यानी इस केस के अंदर फिर आपको एग्जाम्पल के साथ शो करना पड़ेगा सारा रिकॉर्ड्स, अगर आप बुलेट स्टाइल के अंदर मैंशन कर रहे हैं। और इसकी एग्जाम्पल मैं और एक और दे दूँ, इलस्ट्रेट कर दूँ आपके साथ, कि यहाँ पर अगर हमारे पास मिसाल के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स किया हुआ है, लेकिन उसका कोई प्रूफ मेरे पास, कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह नहीं है कि मैंने कहाँ से कैसे किया, लेकिन मुझे ये यूज़ करना आता है, तो इसके लिए फिर मैं ये वाली एग्जांपल्स को फॉलो करूँगा, ठीक है जी, जिसमें डिटेल एड नहीं करनी हमें। और अगर आपके पास पेड सॉफ्टवेयर या फिर कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह फ्री कहीं से आपने किया हुआ है उसका प्रूफ, तो फिर आप इस तरह से बुलेट स्टाइल के अंदर लिख कर उसकी डिटेल ऐड कर सकते हैं, तो ये वाला तरीका फिर आप फॉलो करेंगे। तो इस तरह आप अपने सारे स्किल्स को मेंशन कर सकते हैं अपने सीवी में। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी जो मैटर करती है वो आ जाती है आपकी लैंग्वेज। आप किसी भी, ठीक है जी, तो जिस जगह से भी आप बिलोंग करते हैं वो लैंग्वेज, और उसके अलावा अगर जो एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस होती है, इंग्लिश हो गए, थोड़ी बहुत अरबिक भी है जैसे मुझे, या फिर कोई फॉरेन लैंग्वेज आपको आती है,
तो आप उसको ऐड करेंगे इसके अंदर, और उसके साथ एक प्रोफिशिएंसी जो है बार भी ऐड कर सकते हैं। इस बार से आप ये भी शो कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर आप कितना कंफर्टेबल फील करते हो। जैसे मिसाल के तौर पे मुझे इंग्लिश में अगर अपने अपग्रेड करना है तो मैं इस तरह से इंग्लिश में अपनी प्रोफिशिएंसी को रेट कर सकता हूँ। नेक्स्ट उसके बाद जो ऑप्शन ऐड करेंगे हॉबीज एंड इंटरेस्ट। अब बहुत से लोग इनको 2 से 3 लाइंस बुलेट्स के अंदर ऐड करके खत्म कर देते हैं, लेकिन इसको आप डिटेल से ऐड करें जो आप जिस फील्ड की भी है, जो भी हॉबीज आप, तो एग्जांपल इस तरह से दें कि ये हॉबी आप किस हद तक स्टैंड या प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ जैसे मैंने फिटनेस लिखा है तो यहाँ पर उसकी डिटेल ऐड कर दी, कंसिस्टेंटली जिमर फॉर 6 मंथ इस तरह से। फिर राइटिंग आर्डेंट राइटर ऑन क्योरा रिडिंग एंड मीडियम, जहाँ जहाँ भी आपकी राइटिंग वगैरह की है वो भी आप इस तरह से एग्जाम्पल के साथ ऐड करें। तो इससे आपकी ये डिटेल पता चल जाएगी कि किस हद तक किस चीज़ में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है या क्रेज है, जो आप अपना इंटरेस्ट या हॉबीज के अंदर ऐड करेंगे चीज़ें। अब एक चीज़ यहाँ से इतना सब कुछ देखने और सीखने के बाद अभी तक अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक तो उसको जरूर करें, ताकि और लोगों तक भी इसकी नोटिफिकेशन जाए। जो सीवी बनाना चाहते हैं फ्रेशर, वो भी इसको देखकर काफी कुछ सीख सके और बना सके सीवीज को। और दूसरा पॉइंट ये आपके ध्यान में होना चाहिए, कोई भी चीज जो आप बना रहे हैं या काम कर रहे हैं उसका सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि उसको प्रेजेंट किस तरह से किया जा रहा है। तो प्रेजेंटेशन तरीका किसी भी चीज का जितना अच्छा होगा, तो वही चीज जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ पेश करेंगे उसका बेहतर बेटर परफॉर्म जो होगा वो आपके रिजल्ट सामने आएगा। ठीक है जी। लास्ट अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो इसमें रेफरेंस का ऑप्शन ऐड होता है, यानी जहां आप सीवी ऐड कर रहे हैं रिक्रूटर है तो वो अगर कोई आपके बारे में रेफरेंस जानना चाह रहा है या डिटेल आपकी लेना चाह रहा है तो वो किस पर्सन को रीच आउट कर सकता है। ये आपके प्रोफेसर्स हो सकते हैं, आपके सीनियर्स हो सकते हैं, आपके बॉसेस हो सकते हैं। तो यहाँ आप उनकी डेजिग्नेशन और कॉन्टेक्ट डिटेल जो है वो ऐड करेंगे। अगर इस तरह से आप अपनी सीवी बनाते हैं इंशाल्लाह आपको पहली अपॉर्चुनिटी तो मिल जाएगी, लेकिन इसमें कैरियर ग्रो करने के लिए मोर इंटर्नशिप, मोर कोर्सेज, जितना आप अच्छा उसमें ऐड कर सकते हो तो उससे अच्छा आपका रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये वो तरीका था जो फ्रेश अगर अपनी कोई सीवी बनाने का सोच रहे हैं, जिनकी कोई जॉब एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है और फर्स्ट टाइम वो कहीं जॉब के लिए इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये वो डिटेल्स हैं जिससे अपनी सीवी भर सकते हैं वो 2 से 3 पेज पे आराम से। और फिर उसके बाद उसकी जो फॉर्मेट वगैरह की तरीका है, इसका मेन जो पॉइंट्स हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए और कॉन्सेप्ट दे दिया एक बनाने का तरीका। अब अगर इसकी डिजाइनिंग किस तरह से करनी है, इसको सेट किस तरह से किया जाएगा, तो सिंपल जो मैंने सीवीज के पहले एक टॉपिक अपलोड किया वो फॉर्मेट्स भी देख सकते हैं। इस तरह से देखिए सीवी आप वीडियो के टैब में आके यहाँ पे टाइप करेंगे तो बनाने के तरीके बहुत सारे सीवीज के आपके फॉर्मेट्स हैं। तो तरीका आपको अच्छा लगे, डिज़ाइन आपको अच्छा लगे वो आप बना सकते हैं। तो ये टॉपिक था फ्रेश सीवी फ्रेशर के, इसलिए देखें ये सारे डिज़ाइनिंग ऐड हुए हैं यहाँ पे, और इस तरह के सिम्बल्स वगैरह भी हमारे सीवीज में लोकेशन पे, एड्रेस पे, ईमेल पे, कॉन्टेक्ट पे ऐड होते हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं जो आप अपनी सीवी को बहुत अच्छा एक प्रेजेंटेशन के साथ बना सकते हैं इन सारे ऑप्शंस को ऐड करके। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, ना पसंद आने की कोई वजह बनती नहीं है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, फर्स्ट जो देखा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई डाउट हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।